हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। ये क्वेश्चन जेई 2009 में पूछा गया था, ठीक है। एक प्रॉब्लम हो गई थी इस क्वेश्चन में, इसका फिगर जो है वो एकदम करेक्ट नहीं है। पहले पढ़ लेते हैं एक बार। द फिगर शोज सर्टेन वायर सेगमेंट्स जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ कोप्लेनर लूप। बच्चों कोप्लेनर तो दिख रहे हैं पर ये जॉइंट टुगेदर नहीं दिख रहे। द लूप इज प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन गोइंग इन टू द प्लेन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसकी डायरेक्शन है इन टू द प्लेन। द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंक्रीजेस विद टाइम। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। आई वन एंड आई टू आई करेंट इन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी। ए बी में करेंट आई वन है और सी डी में करेंट आई टू है। पूछा है डायरेक्शन और वैल्यू क्या क्या होगी। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बच्चों, फिगर बनाने में somebody made a mistake। एक्चुअल में ये दोनों लूप इस तरह से कनेक्टेड। अब तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा सर ये कैसे कनेक्ट कर दिया आपने। तो मैं दोबारा से फिगर ड्रॉ करके बता देता हूं कि एक्चुअल में द फिगर वॉज सपोजली लाइक दिस, तभी हमारे आंसर मैच कर रहे हैं और तभी ये क्वेश्चन कुछ बनता है। अदरवाइज तो ये दो सेपरेट लूप है, इनमें आपस में तो आपने कनेक्ट किया ही नहीं। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दे आर कनेक्टेड। आई थिंक जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया ही मेंट द लूप टू बी कनेक्टेड लाइक दिस। अब सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है और अब ये दोनों लूप एक दूसरे से एक्चुअली कनेक्टेड है, ए बी सी डी। तो अब जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा अंदर की तरफ, तो इसमें अंदर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कैसा आएगा, वो आएगा खुद का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जनरेट करने की कोशिश करते हुए। और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है तो करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो करंट होगा वो ए से बी की तरफ आएगा और डी से सी की तरफ आएगा और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर इस फिगर को देख के कोशिश करोगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि ए से बी और सी से डी में अलग अलग डायरेक्शन क्यों होगा। डायरेक्शन अलग इसलिए होगी क्योंकि दीज टू लूप आर एक्चुअली कनेक्टेड। नाउ द एरिया जिसकी आपको चिंता करनी है वो ये वाला एरिया है, समझ में आ रही है। और इस एरिया में एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए द करंट विल फ्लो और इस एरिया में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए द करंट विल फ्लो एंटी क्लॉकवाइज इन दिस लूप। आई बात समझ में। बच्चों माय नेम इज अंशुल गुप्ता, I teach physics at the Physics Tree Coaching in Janakpuri, Delhi. This is my contact number. You can call me for any help in physics. Bye-bye.